हाय वेलकम टू ज़ूरिक पेट एसोसिएशन। माय नेम इज निशान और दोस्तों आपके वीडियो में हम लोग जितनी पपीज़ कवर कर रहे हैं सारी पुणे से अवेलेबल है एंड ऑल पपीज़ विल बी ट्रांसपोर्ट टू एनी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। और कुछ पपी सेम सेलर के पास अवेलेबल है और कुछ पपी अलग अलग सेलर के पास अवेलेबल है, तो वीडियो को इंटरव्यू जरूर देखना। काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे पपीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो पपी है कुछ व्हाइट पोमेरियन की पपी है, स्नो व्हाइट कलर में, बहुत ही बेटर क्वालिटी पपी है। पोमेरियन एक मीडियम लार्ज ब्रीड होता है, बहुत एक्टिव ब्रीड होता है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है और इट्स ए परफेक्ट फैमिली ब्रीड। बट पोमेरियन कभी कभी जब बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो कभी कभी एग्रेशन आ सकता है। अगर आप उसको प्रॉपर टाइम ना दें, प्र�परली केयर ना करें, तो थोड़ा बहुत सेपरेशन का इशू हो सकता है और एग्रेसिव हो सकते हैं। मेरा पहले पोमेरियन रह चुका है तो मुझे थोड़ा आइडिया है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि फैमिली डॉग है, हाँ फैमिली डॉग ही है, लेकिन थोड़ा बहुत एग्रेशन आ सकता है बिकॉज ये छोटे हैं और बहुत ही एक्टिव ब्रीड होता है। लैब्राडोर जैसा काफ़ी अच्छा एक्टिव होता है, इसलिए लोगों को बहुत पसंद है पोमेरियन। तो बचपन से हम लोगों ने एक्चुअली जब कोई सर्कस देखते थे ना, तो सर्कस में जो डॉग्स होते थे मेनली पोमेरियन होते थे या जर्मन स्पीच होते थे। तो एकदम मैं जब बचपन में था, 3-4 साल का नहीं, जो ज़्यादा होगा 5-6 साल का, तभी मैं सर्कस देखा था और तभी से मेरे को कुत्तों से ज़्यादा प्यार हुआ था और तभी मैंने पोमेरियन लाया था। मतलब मेरे को खरीद के दिया था मेरा पेरेंट्स, तो तभी से पोमेरियन घर में था। और मुझे पता है अगर इनको आप अटेंशन ना दें तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है। बट वो सब छोड़िए, डॉग इज़ डॉग, ये हमेशा बहुत ही खूबसूरत होते हैं। फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डेज का पपी है एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र डिलीवरी हो जाएगा सारे पपीज। सो रिकमेंड होने से सेलर का नंबर दिख रहा है, उसमें कॉल करके आप और बाकी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। और वीडियो में आगे जितने भी पपीज़ देखेंगे सारे सेम सेलर के पास पपीज़ अवेलेबल है एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र सारे पपीज़ डिलीवरी हो जाएगा। और सब पपीज़ का मैं प्राइस भी बोलने की कोशिश करूँगा महाराष्ट्र में कितना प्राइस चल रहा है। जैसे पोमेरियन का, ये जैसे पोमेरियन है, ये 7000 का पर पीस का, पर पपी का प्राइस है। वैसे तो अभी पोमेरियन का प्राइस जैसे 5000 से लेके 10000 में इंडिया में चल रहा है। वो भी डिपेंड करते हैं क्वालिटी एज टू एज, हिल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। आप नहीं बोल सकते कि पोमेरियन है तो मेरे को 5000 में मिलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्वालिटी के हिसाब से भी प्राइस का थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। और ये पपीज़ है 7000 पर पपी का प्राइस है, ये ऑल ओवर महाराष्ट्र डिलीवरी होगा। बट डिलीवरी करना होगा तो डिलीवरी चार्जेस अलग से आपको मे बी पे करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है आपका लोकेशन कितना दूर है सेलर का लोकेशन से। अगर आप पुणे के आसपास है तो जाके पपी देख से खरीद सकते हैं, वरना व्हाट्सएप में भी वीडियो कॉल करके भी पपी का हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों आते हैं कुछ जर्मन सेफर्ड के ऊपर। ये डबल कोट का जर्मन सेफर्ड है, सेम सेलर के पास अवेलेबल है पुणे में एंड ऑल ओवर डिलीवरी हो जाएगा। सारा डिटेल्स में बात करेंगे इनके ऊपर। ये ऑलमोस्ट 50 डेज का पपी है और काफ़ी अच्छे एक लीटर का पपी है, बहुत ही हेल्दी लीटर का पपी है। इनका पेरेंट्स का फ़ोटो भी आपको, अगर चाहिए तो फोटो पिक्चर भी आपको सेलर प्रोवाइड कर देगा। सेलर का लोकेशन पुणे है और पिछला जो पोमेरियन दिखा था सेम सेलर के पास ही अवेलेबल है ये पपी। सो किसी को रिक्वायरमेंट हो सकता है सेलर के साथ वीडियो कॉल करके पपी का हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप, छाती में पूरा व्हाइट कलर की मतलब डार्क कलर नहीं है तो, और कोट तो प्रॉपरली दिख ही रहा है, डबल कोट का पपी है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में, हेल्दी क्वालिटी में डबल कोट का पपी है और बहुत एक्टिव है। डबल कोट का मेनली जो छाती का जो बाल होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तभी आपको वैसे ही मतलब जो प्राइमरी जो आइडेंटिफिकेशन होता है वैसे। और ये पपीस विथ और विदाउट केसे पेपर भी अगर आपको चाहे तो मिल जाएगा विदाउट केसे पेपर भी, और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस इन्होंने पकड़ा है। जैसे 16000 इज़ फिक्स आस्किंग प्राइस फॉर मेल एंड 13000 इज़ फॉर फीमेल, बट उसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा, जैसे कि आपको 1-2 हज़ार का नेगोशिएशन हो जाएगा। बट ये प्राइस है आपको, अगर आप पुणे से लेते हैं तभी ये प्राइस है, वरना पुणे के बाहर अगर डिलीवरी करना पड़ेगा तो डिलीवरी चार्जेस आपको अलग से पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप खुद जाके पपी देख के हेल्थ वगैरह चेक करें, उसके बाद ही पपी ले या सेलर के साथ जो कुछ ट्रांजेक्शन करना है ट्रांजेक्शन करें, वरना कोई भी इशू हुआ, कोई भी मतलब हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड इशू हुआ, तो माई चैनल इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डैट। आप लोग ध्यान रख के ही आगे बढ़े, और अगर नहीं आप लोग जा सकते तो तभी सेलर के साथ कांटेक्ट कर ले, जो भी कुछ ट्रांजेक्शन करे उसका सही से रसीद ले या रिसीविंग ले, तभी जाके आप कुछ कर सकते बाद में कुछ इशू हुआ तो। सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया बढ़िया से। और पपीज़ अवेलेबल है पुणे में एंड अवेलेबल हो जाएगा थ्रू आउट ऑल ओवर महाराष्ट्र, और मैं रिकमेंड करूँगा आप जाके ही पपी देखें। नेक्स्ट दोस्तों, सेम सेलर के पास अवेलेबल है पग पपी।
पक्का ये जो आप देख रहे हैं ये एक मेल है, 2 साल की मेल है, ये सेलर के पास अवेलेबल है। बट किसी को स्टड पर्पज़ के लिए चाहिए मेल पग तो दिस वन इज़ परफेक्ट। 2 साल की है ऑलमोस्ट और बहुत ही बेहतरीन है, हेल्दी क्वालिटी में है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा बड़ा साइज़ का डॉग है। वैसे तो पग हम लोग जितने दिखते हैं काफ़ी छोटे छोटे पग मिलते हैं बट काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है। पग कभी 2 टाइप में आता है, एक थोड़ा माइक्रो टाइप में आता है, एक थोड़ा बड़ा साइज़ में आता है। ये आपका बड़ा साइज़ का मेल पग है और इसका जो पप्पी से वो भी सेल पे है। पहले इसके बारे में बोलिए, स्टड के लिए अवेलेबल है थ्रू आउट ऑल ओवर महाराष्ट्र, विच पार्ट आर नियर बाई लोकेशंस इन पुणे, पुणे के आसपास में जो है वहाँ तक स्टड सर्विस अवेलेबल है। अगर बाहर है तभी सेलर के साथ कॉन्टेक्ट कर लेना, हो सकता है मैं भी स्टड सर्विस प्रोवाइड हो। और इनके जो पप्पीज है वो सेल पे है, मैं इनका पप्पी से भी दिखाऊँगा आपको, वीडियो को देखिए। हाँ तो दोस्तों ये है इनका पपीज़ जो कि अभी 30 डेज़ का हो गया है ये पपीज़, और कुछ ही दिनों में रेडी हो जाएगा फॉर गोइंग टू न्यू होम और फॉर गोइंग टू न्यू लोकेशन और फॉर सेल। सो ये एडॉप्शन के लिए नहीं है, फॉर सेल पे है। बहुत ही बेटर क्वालिटी में है, हेल्दी क्वालिटी में है, फेस पे रिंकल आना शुरू हो गया है और अंडर नोज है। सो इफ एनीबडी रिक्वायर्ड देन सेल सर्विस ऑन स्क्रीन, उसमें कॉल करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। प्राइस बहुत ही रिजनेबल है, जैसे अभी पग का प्राइस जैसे अभी मुंबई में 18,000 से लेके 20,000 तक पग का प्राइस चल रहा है विदाउट किसी पेपर। तो इनका प्राइस है मेल का अभी अगर अभी बुक करेंगे तो मेल का 15,000 है, फीमेल का 10,000 है, जो कि उसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा अगर आप जाके पापी देखेंगे लेंगे। अगर आपको डिलीवरी करना होगा तो डिलीवरी चार्जेस में कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, अलग से आपको डिलीवरी चार्जेस पे करना भी पड़ सकता है। और प्राइस वैसे अभी 20,000 के आसपास में पक्का प्राइस अभी मुंबई जैसे सिटी में चल रहा है। अगर आपको किसी पेपर के साथ से बिकॉज किसी पेपर आपको किसी पेपर के लिए अप्लाई करना है तो ऑलमोस्ट एडिशनल आपको 2,500 से 3,000 रुपया पे करना होगा और तभी आपको किसी पेपर मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, मेरे पास 4 महीने की मेल सीजो की पपी जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में है, हेल्दी क्वालिटी में है, पुणे में ही अवेलेबल है। बट सेम सेलर के पास नहीं है, अलग एक सेलर के पास अवेलेबल है ये, एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र तक इसका भी डिलीवरी हो जाएगा। बहुत ही एक्टिव पपी है, हेल्दी पपी है और सिज्जो तो काफ़ी का होता है। ये 4 महीने का है, इसका वैक्सीनेशन भी हो गया है। और प्राइस के बारे में भी हम लोग बात करें, जैसे प्राइस अभी मुंबई में सिज्जो का प्राइस अभी 30,000 से 35,000 का बीच में है, अच्छा क्वालिटी का, हेल्दी क्वालिटी का। और पुणे में भी ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है। और इनका प्राइस है, ये पपी का प्राइस है 28,000 फॉर दिस मेल पपी। वैक्सीनेटेड पपी है, 6 महीने का एज। नेक्स्ट दोस्तों, पुणे में अगेन एक अलग सेलर के पास अवेलेबल है ये 50 डेज की लेबराडोर की मेल पपी। डिसेंट क्वालिटी का पपी है, ना कि बहुत ही हैवी क्वालिटी का, शो क्वालिटी का, और ना ही बहुत ख़राब क्वालिटी का। इसका भी लोकेशन पुणे में है और ये अलग सेलर के पास अवेलेबल है, किसी को रिक्वायरमेंट होने से सेलर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। 12,000 का इसका प्राइस है और ऑलमोस्ट 50 डेज का पपी का एज है। सो ये भी अवेलेबल है पुणे में। सो होपफुली जितने पपीज़ कवर किए सारे पुणे में अवेलेबल है। कुछ पपी सेम सेलर के पास है और कुछ अलग अलग सेलर के पास अवेलेबल है। सो किसी को रिक्वायरमेंट हो सेलर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी रिजनेबल प्राइसेज में सारे पपीज़ अवेलेबल है पुणे में।